साथ लोग रहता है तो वो अच्छा हो जाता है, जब उनसे लोग हटता है तो वो अपराधी हो जाता है। हटाए गए हैं, हटे हैं तो उनको छटपटाहट है, लेकिन बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा करती है। लोकतंत्र में जनता बनाती है सरकार, इसलिए जनता तय करेगी। सभी वर्गों का काम हो रहा है, इसलिए 2025 का सपना देखना छोड़ दे। कोई भी धर्म के मानने वाले लोग, कोई अछूता नहीं है, सबके लिए काम किए। तेजस्वी यादव के दावे के बाद देखिए बिहार की सियासत तेज हो गई है, जहां तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसे में इसके पलटवार में बिहार सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह का पलटवार आया, जहां पर उन्होंने यह साफ कहा है कि वो तय करेंगे, बिहार में जनता तय करती, देश में जनता तय करती है कि किसकी सरकार बनाना है। ऐसे में लोकतंत्र में जनता तय करेगी कि सरकार किसकी बननी है। ऐसे में तेजस्वी यादव जिस तरीके से बयान दे रहे, उसको लेकर लेसी सिंह ने तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया है और यह साफ कहते हुए नजर आए हैं कि में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है, और ऐसे में 18 वर्षों से जिस तरीके से सरकार चल रही है इसको देखते हुए कई विकास हुए हैं। किसी भी वर्ग की बात करें तो वहां पर कोई वर्ग छूटा नहीं है, छूटा नहीं रहा है, लगातार विकास हो रहा है। देश की बात करें तो देश में लगातार विकास हो रहा है। ऐसे में उन्होंने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव को भी मौका दिया गया था, मौका देकर देख लिया गया, लेकिन अब उनको साइड कर दिया गया, फिर वो हट गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इसको देखते हुए तेजस्वी यादव बौखला गए हैं और इस तरीके का बयान दे रहे हैं। बिहार सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह क्या कुछ कह रहे हैं आनंद सिंह के मुलाकात को लेकर, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बयान दिया है वो भी सुने आप लोग। लेसी सिंह जी, तेजस्वी यादव जिस तरीके से आज से यात्रा की शुरुआत की है, वो अब जाकर 25 चुनाव को देखते हुए दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब हम सरकार बनाने जा रहे हैं, कैसे देखें, क्या कहिएगा? सरकार तो जनता ने बनाती है, लोकतंत्र में जनता बनाती है सरकार, इसलिए जनता तय करेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे नेता के नेतृत्व में एनडीए की सरकार जो सभी वर्गों का विकास किए है 18 वर्षों में, कोई भी वर्ग, कोई भी धर्म के मानने वाले लोग, कोई अछूता नहीं है, सबके लिए काम किए, चाहे किसान हो, महिला हो, युवा हो, छात्र हो, सभी वर्गों के लिए काम हुआ। तो जनता देख रही है कि उन लोगों को भी मौका मिला था जो अभी विपक्ष के नेता घूम रहे हैं या यात्रा करेंगे, तो हर पॉलिटिकल पार्टी का काम है अपना यात्रा करना, कार्यक्रम करना, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा करती है, और अभी आप देख रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में किस तरह से हमारा बिहार में एनडीए की अच्छी रही, लोगों ने काम पर विश्वास किया, काम पर मतदान किया। इसलिए यात्रा करें, सभी पॉलिटिकल पार्टी का अपना काम होता है करना, लेकिन बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी पर, एनडीए की सरकार पर भरोसा करती है, और केंद्र में भी एनडीए की सरकार है हमारी, बिहार में भी एनडीए की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी वर्गों का काम हो रहा है, इसलिए 2025 का सपना देखना छोड़ दे। बहुत बड़ा आरोप लगाया, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपराधियों के घर पे जाते हैं और अपराधी उनके घर पे आते हैं। देखिए, इस तरह के बयान का कोई स्थान नहीं है, और जब उनके साथ लोग रहता है तो वो अच्छा हो जाता है, जब उनसे लोग हटता है तो वो अपराधी हो जाता है। ये दोहरा मापदंड उन लोगों का है। नीतीश जी, तेजस्वी यादव का कल बयान आया है, उन्होंने कहा है नीतीश कुमार को लेकर कि गिड़गिड़ाते रहते हैं वो, पिछली बार हमने ले लिया था, अब गिड़गिड़ाएंगे, पैर पकड़ेंगे, अब कोई जगह उनके। देखिए, सरकार से हटाए गए हैं, हटे हैं तो उनको छटपटाहट है, इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं, अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। 17 महीना और 20 महीना जो उनको मौका दिया गया और फिर हटाया गया, तो मुख्यमंत्री जी ने मौका दिए थे, जब हटाए हैं, हटे हैं सरकार से, तो उसी की छटपटाहट है, छटपटाहट में इस तरह का बयान दे रहे हैं। आनंद सिंह जेडीयू में है, आएंगे जेडीयू में? धन्यवाद। अब देखिए, उनसे ने पूछिएगा, उनका बात हमसे पूछिए। तो हमने सुन लिया, लेसी सिंह ने यह साफ कह दिया है कि जिस तरीके से बेतुका बयान दे रहे हैं तेजस्वी यादव, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने आनंद सिंह के मुलाकात को देखते हुए यह साफ कहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार अपराधियों से मिल रहे हैं, अपराधियों के घर जा रहे हैं और अपराधी उनके घर आते हैं, लेसी सिंह ने यह साफ कहा है कि जब उनके साथ रहते हैं तब अच्छे रहते हैं, जब हमारे साथ आते हैं तो बुरे बन जाते हैं। ऐसे में लेसी सिंह ने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव हुआ,
अच्छा परफॉर्मेंस हमारी एनडीए की, और ऐसे में 25 के चुनाव में भी इसी तरीके का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। ऐसे में तेजस्वी यादव के बयान को देखते हुए जनता भरोसा नहीं कर रही है और आने वाले चुनाव में जिस तरीके से जवाब दो है जनता देगी। तो फिलहाल बिहार सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह को आप सुन रहे थे, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।